बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लुबनाज किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह सिरका और नमक लगा के धो लिया। आधा पाव सब्ज मिर्चें ली हैं, इनके बीज निकाल के इनको बारीक बारीक काट लेना है। 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक गोल शेप में काटना है। 1 पाव लीमू लिए हैं, इनका जूस निकाल लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून या हसबे जायका, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल बनाने के लिए। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें चिकन फ्राई करना है हमने। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, जब ये अच्छी तरह गर्म होगा फिर इसमें चिकन डालते हैं। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर चिकन डालते हैं और आंच थोड़ी हल्की कर लें। अब चिकन मैंने डाल दिया है, इसको 1-2 दफा हिला के और फिर इसको ढांप देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अभी 2-3 मिनट इसको ढक्कन ही लगाना है इसके ऊपर। आंच थोड़ी सी तेज कर लें। चिकन का पानी खुश्क हो गया, अब हम इसको दरमियानी आंच पे 10 से 15 मिनट तक भाप देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। जितनी देर चिकन फ्राई हो रहा है उतनी देर मैंने सब्ज मिर्चें बारीक काट ली हैं और इस तरह इनके बीज सारे निकाल दिए हैं, और टमाटर भी बिल्कुल बारीक इस तरीके से काटना है। बिल्कुल बारीक टमाटर काट लिए, लीमू का जूस निकाल लिया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें 15 मिनट हो गए इसको, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम आंच बंद कर देते हैं और इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम चिकन को एक डिश में अलग निकाल लेते हैं। चिकन मैंने सारा डिश में निकाल लिया, ऑयल मैंने सारा निकाल दिया है, सिर्फ 1 छोटा चम्मच ऑयल का इसमें डाला है। और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको लाइट ब्राउन करेंगे। आंच थोड़ी सी तेज कर लें, इसे लाइट ब्राउन करना है। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हिलाएंगे। एक टीस्पून नमक डाल दिए। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है। काली मिर्च भी डाल दें इसमें 1 टीस्पून। नमक मिर्च आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है इसमें। अब इसमें लेमन जूस ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर अब हमने टमाटरों को बहुत अच्छे से सेट कर देना है।
टमाटर सारे इस तरह सेट कर लेने हैं। अब इसके ऊपर ये सब्ज मिर्ची इस तरह इनको भी इस तरह खुला खुला डाल दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। नमक मिर्च आपने अपने जायके के मुताबिक डालनी है। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढांप देना है, स्टीम आ जाएगी और जो टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। असल जो टेस्ट है वो टमाटरों से आएगा इस कढ़ाई में। पंद्रह मिनट हो गए इसको रखे हुए। अब देखें ये टमाटर जो है ये अच्छे से स्टीम में आ गए। बस आपने इसको ज्यादा हिलाना नहीं है, मजेदार खुशबू आ रही है टमाटरों की, सब्ज मिर्चों की। ये जो टमाटर डाले हैं इसका टेस्ट सबसे डिफरेंट है। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। मजेदार चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। इसको कढ़ाही में ही रहने दें, एक दफा ट्राई जरूर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।